कागज पर एक लाल पेन। बस इसी सामग्री की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको इस कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम है प्रवीण, तो इस कागज पर मैंने लिख दिया प्रवीण और उस कागज को इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और एक मंत्र को 5 बार बोलना है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्य कामाख्या मंत्र श्री अक्षय मंत्र। इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप जैसे ही आप 5 बार करेंगे और उस कागज को आपको अपने पास रखना है और उस व्यक्ति का ध्यान रख कर करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और 3 घंटे आप उस कागज को अपने पास रखिए और 3 घंटे बाद आप उस कागज को जाकर जला दीजिए। जी हाँ, जैसे ही ये कागज जलेगा और राख में तब्दील हो जाएगा तो वो व्यक्ति पूरी तरह से आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। वो चाहेगा कि कैसे भी आपको कॉन्टेक्ट करे और आपसे बात करे, अपना वक्त आपके साथ व्यतीत करे। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके वश में हो जाए तो इस विधि को सही तरीके से कीजिएगा। और जो मंत्र है दोस्तों, वो सबकी राशि और नाम के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप गुरु जी को कॉल करें और वो राशि और नाम के हिसाब का मंत्र आपको देंगे और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। कोई और भी समस्या है जिसका हल आप चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, क्योंकि आजकल ठीक रहना, खुश रहना सबसे मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी हमेशा हमें घेरे रहती है। कभी पारिवारिक समस्या, तो कभी ऑफिस की परेशानी, या फिर कभी अपने प्रेमी के बिछड़ने का डर। दोस्तों आज का हमारा